देखो अमर, तुम शायद नहीं जानते, मैं बहुत पहले सारा की माँ को जबान दे चुकी। मैं फैसला कर चुका हूँ, शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ तकबीर से। उठ जाओ। हम वापस जाएंगे। मामा, सब ठीक तो है? बहन, क्या हुआ है? अहमद, मेरी बात सुनो आगे। मैं अभी आया, मैं आया आंटी। क्या बात है मामा, आप छोटी सी बात को लेकर नाराज हो रही हैं। छोटी सी बात, इनकी औकात क्या है और इन्होंने ऐसा सोचा भी कैसे? मामा, ये वक्त औकात नापे का नहीं है। आप शायद भूल रही हैं, हम यहाँ बारात लेके आ चुके हैं, निकाह होने वाला है। आप प्लीज इस तरह की बातें मत करें। मुझे ऐसी बातें करनी पड़ेंगी? 20 लाख रुपए, डू यू रियलाइज इट्स 2 मिलियन रुपीज अमर। और एक मेरी बात याद रखो, ये जो छोटे लोग होते हैं यही इस तरह की हरकतें करते हैं, बड़ी बड़ी रकमें हकमैर के लिए लिखवा लेते हैं। खानदानी लोग कभी भी ऐसी हरकत नहीं करते। ये आपके बेटे का होने वाला ससुराल है और ताबीर आपकी होने वाली बहू, और इस तरह की गुफ्तगू उनके बारे में आपको जेब नहीं देती। और मैं तुम्हें बता रही हूँ अमर, कल को ये लोग कोई नया तमाशा खड़ा करेंगे और फिर हमारे पर और हमारे खानदान की इज्जत पर धब्बा लग जाएगा। पता नहीं आप क्या सोच रही हैं और क्यों इस तरह की बातें कर रही हैं। अम्मी, मुझे लगता है कि अजान भाई ने कुछ की है। आप यहीं रुके, मैं पता करके आती हूँ। सब कुछ क्या हो रहा है, मुझे खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे तो बहुत अफसोस हो रहा है उनकी इस हरकत पे। भला इतना तमाशा लगाने की क्या जरूरत थी? यही सब कुछ करना था तो पहले बता देते ना। दारा, आप इस मामले में ना ही बोले तो बेहतर होगा। क्यों ना बोले, आखिर भाभी है तुम्हारी और फिर उसकी इज्जत भी तो हमारे खानदान की इज्जत से जुड़ी है। क्या हो गया हमारी इज्जत को? हाँ, क्या हो गया? शरीफ लोग हैं और जैसी बातें आप लोग कर रहे हैं ना, अच्छा इंप्रेशन ही पड़ा हमारा उनके ऊपर। सारा, तुम ही इसे कुछ समझाओ। इसकी तो आंखों पर उस लड़की के इश्क की पट्टी बंधी है, इसे कुछ नजर ही नहीं आ रहा। एमर, फॉर गॉड सेक, बात को समझने की कोशिश तो करो एक बार। इस तरह से हमारी तरफ के लोग बहुत बातें बनाएंगे, बेवकूफी करने जा रहे हो।
दो मिनट है तुम्हारे पास फैसला करने के लिए। मैं वापसी का फैसला कर चुकी हूं। अम्मी, अजान भाई ने हक मेहर ज्यादा लिखवा दिया क्या? इसलिए झगड़ा हो रहा है वहां पे। अजान ने इतना बड़ा फैसला हमसे पूछे बगैर कैसे कर लिया? अम्मी, ये तो आप अजान भाई से पूछिए ना। अजान बेटा, तुमने इतनी ज्यादा हक मेहर की रकम क्यों लिखवाई? आपा, वो अजान को मैंने कहा था, नए लोग हैं, हैसियत में भी बड़े हैं हमसे। कल किसी बात से नाराज होकर वो लड़की को घर से निकाल देंगे तो उस वक्त क्या करेंगे हम? तायरा, तायरा पूछ तो लेती। अम्मी का ख्याल था कि इतने अमीर लोग हैं और वैसे शादी तो लड़के की जिद से हो रही है, उन्हें भला क्या एतराज होगा? झगड़ा तो हो गया ना। ये सब क्या हो रहा है, कोई मुझे भी तो कुछ बताए। कुछ नहीं बेटा, तुम परेशान मत हो, मैं जाके रुबाब से बात करती। कोई मुझे भी तो कुछ बताए। मैं बताती हूँ बेटा, वो बात ये है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये मामा का हो क्या गया? देखो, हमारे यहाँ 7 नस्लों में आज तक शादी के लिए शरई हक मेहरी लिखा जाता रहा है। इतनी बड़ी रकम का सुनेंगे ना तो लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। फहद, शादी मेरी है तो मर्जी भी मेरी होनी चाहिए। मैं चाहे 10,000 पे मानू या 10 करोड़ पे, दूसरों को इससे क्या मसला है? अहमर, हम हर किसी से कट के तो नहीं रह सकते ना। देखो, मेरा मशवरा लो तो तुम्हें मॉम की नाराजगी नहीं मोड़ लेनी चाहिए। तुम क्या बोल रहे हो? तुम कहना चाहते हो कि हम यहां से उठ के चले जाएं और ताबीर की पूरी फैमिली की इंसल्ट हो जाए? तुम्हें मॉम की बात की कोई परवाह नहीं, हुँ? ताबीर की फैमिली की फिक्र? वाह, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा ना? कैसी बात है करियो तो? तुम्हें पता है, तुमसे शादी करना चाहती थी, ये मेरा फैसला नहीं है। देखो, इन सब बातों का कोई फायदा नहीं। वैसे भी अम्मी तुम्हें असल बात बता चुकी होंगी। अगर तुम ढंग की नौकरी कर लेते तो आज हमारा निकाह हो रहा होता। Sometimes इंसान जैसा चाहता है वैसा नहीं हो पाता। और मेरी तो दिली ख्वाहिश है कि तुम्हारी ये शादी तुम्हारे लिए ढेरों खुशियां लाए। खा खुशियां लाएगी, निकाह से पहले ही झगड़ा हो गया। मैं बात करती हूँ। नहीं अजान, अजान ये क्या मजाक लगा रखा है आपा? मैं खुद जाके बात करता हूँ। ऐसा करता है कोई? किसने कहा? तुम गुस्सा ना करो, मैं बात कर रही हूँ ना। और देखो, जब तक मैं ना बोलूँ ना, तुमने किसी से कोई बात नहीं करनी है। तुम्हें पता ही नहीं चलता गुस्से में तुम न जाने क्या कुछ कह जाते हो। क्यों ना बात करूँ? मामू हूँ मैं तो बात करूँगा आपा। मैंने कब कहा मामू नहीं हो? जब वक्त आएगा तो अपने मामू होने का हक भी जता लेना। लेकिन फिलहाल तुम मेहमानों को संभाल लो प्लीज, मैं बात करके आती हूँ। फसूल ड्रामा करके वक्त आया करवाया हमारा। ये लालची लोगों में रिश्ता करने का तुक क्या है? अहमर की मर्जी, मोहब्बत की अस्सी जो बनती है। क्रेजी रुबाब, क्या हुआ है? वाओ हफ्सा, हक मेहर के बहाने इतनी बड़ी अमाउंट मांग ली और अब इतनी मासूमियत से पूछ रही हूँ कि क्या हुआ? I can't understand one thing. अगर कोई बेतबारी थी, एतमाद नहीं था आपको हम लोगों पे, तो अपनी बेटी हमें सौंपने का इतना बड़ा फैसला क्यों कर दिया? नहीं, ये सब कुछ गलत फहमी के बिना पर है। आप लोग जैसा चाहेंगे वैसा होगा। प्लीज, ये सब मेरी गलत, इनमें इनका कोई कसूर नहीं है, मैं आपसे माफी मांग लेता हूँ। मेरा नहीं ख्याल था कि आपको हक मेहर की रकम पर एतराज होगा। एनीवे, ये आप लोगों का आपस का मामला, आई डोंट रियली केयर। हमारी तो इंसल्ट हो गई ना,
चलो सर, लेट्स गो। फहद, हम वापस जा रहे हैं। अब चलो तुम। मामा, सॉरी पप्पू, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो लोग इतनी सी बात का इतना बड़ा मसला बना देंगे। बात इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन अगर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए ना तो बात बड़ी है। अगर 20 लाख हक मेहर के लिखवाने थे तो पहले उनसे बात करनी चाहिए थी ना। बहुत बड़ी गलती हो। आपा, मुझे कतन अंदाजा नहीं था कि ये लोग इतनी सी बात को इतना बड़ा मसला बना दें। बहुत बुरा हुआ। तो क्या बारात अब वापस चली जाएगी? अल्लाह ना करे। कहीं अजान भाई ने ये जानबूझकर तो नहीं किया? मुझे क्या पता, लेकिन अंदर से जल जरूर रहे होंगे। आखिर ताबीर इतने बड़े घर में जो जा रही है। तुम जानते हो कि मैं इस लड़की को पसंद नहीं करती थी, मगर मैंने सिर्फ तुम्हारी जिद के आगे हथियार डाले, क्योंकि दुनिया में मुझे तुम्हारी खुशी से बढ़कर और कोई चीज अजीज नहीं है। आ गई ना यहाँ और क्या किया उन्होंने, तमाचा मार दिया ना हमारे मुंह पर, एतबार ही नहीं किया। क्या समझाए हमें, हम कोई उठाई गिरे हैं, बदमाश हैं, दौलती हैं, क्या मसला था उन्हें? बात 20 लाख की नहीं है, मैं 20 लाख अपने जूते की नोक पर रखती हूँ। तुम्हारे खातिर 20 लाख क्या चीज है? असल चीज होती है इज्जत, लेकिन इज्जत और गैरत उन लोगों को समझ में आती है जिनकी इज्जत और गैरत होती है। मुझे तो इतनी एम्बेरसमेंट हो रही है कि मेरे दिल चाह रहा है कि जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं, जिसके एक इशारे पर उसके दोनों बेटे अपनी जान देने के लिए राजी हैं, जिसके एक इशारे पर पूरी फैमिली भागी चली है, जिसकी सात पुश्ते राज करने की आदी हूँ, और जो अपनी बेटे की मोहब्बत में मजबूर होकर यहाँ आ गई, उसका ये सलाह दिया उन्होंने। देखो अमर, ये प्यार मोहब्बत इश्क वेश सब टेम्पररी बातें। अगर कोई चीज इंसान के मरने के बाद भी जिंदा रहती है ना, तो वो है इज्जत। और तुम क्या चाहते हो, मैं वो इज्जत डबो दूं? मामा, आपसे एक बात पूछूं मैं, खानदान में कितनी शादियां होती हैं? क्या हमने कभी सवाल किया किसने कितना हक मेहर लिखवाया है? ससुराल ने दामाद को, शौहर ने अपनी बीवी को क्या दिया है? नहीं मामा, ये सबका जाती मामला है, हम कोई नहीं होते पूछने वाले, और कोई हम पर उंगलियां क्यों उठाएगा? तुम क्यों समझ नहीं रहे हो अमर, क्यों मेरा मुंह खुलवाना चाहते हो? इमेजिन करो कि हमारी फैमिली सर्कल के लोग क्या कहेंगे कि रुबाब अपनी बहू खरीद कर लेकर आई है, कि उसके घर वालों ने बेच दिया उसे। मैं उनकी ज़बान खींच लूँगा। मेरे दो ही बेटे, तुम क्या चाहते हो कि मैं उन्हें इन लड़ाई झगड़ों में झोंक दूँ? मेरी जिंदगी का कुल सरमाया मेरी औलाद है, और मैं उनको इन मसलों में फंसा दूँ? कैसे हो सकता, कैसे हो सकता कि मैं अपने हाथों से उनकी जिंदगी बर्बाद कर दूँ? चलो फहद, चलते हैं और देखते हैं कि आज इसको इसकी माँ की इज्जत का पास है या वो हफ्सा की लाडली जिसने मुझसे मेरा बच्चा ही छीन लिया। मामा, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आपको मुझसे और मुझसे आपको कोई नहीं छीन सकता, और जहां तक बात आपके रुतबे की है, उसके आसपास क्या उसके करीब भी कोई नहीं आ सकता। आ सकता है, आ चुकी है वो, और तो और उसने मुझसे मेरा बच्चा ही छीन लिया, बल्कि वो तो मुझसे आगे निकल गई है इस मामले में, और उसी की वजह से तो तुम इतनी देर से मुझसे बहस कर रहे हो। याद करो, आज तक तुमने मेरे किसी हुक्म के आगे उफ तक नहीं किया, और आज आज जो कुछ हो रहा है सब उसी की वजह से है ना। माम, रहने दे सब बातें, तो कोई फायदा नहीं है। मुझे पता क्या लगता, इन माँ बेटियों ने ना इसको कुछ घोल कर पिला दिया है, वरना अहमर की ताबेदारी और फरमा बरदारी के किस्से तो पूरा जमाना सुनाया करता था। कोई बात नहीं, मेरा नाम भी रुबाब। इस हफ्सा बेगम के जादू तो इस पर ही उल्टे पड़ जाएंगे। मामा, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ? तब एक माँ के लिए उसके बेटे की खुशी से बढ़कर और कोई चीज नहीं, लेकिन इस दुनिया में इज्जत से बढ़कर और किसी चीज की कदर कीमत नहीं है। मैं आज जो कुछ कह रही हूँ, जो कुछ तुम्हें समझा रही हूँ ना,
कल तुम्हें समझ में आएगा तुम्हारी माँ का दिल क्यों तड़प रहा था। हम जा रहे हैं अमर, तुम्हें निकाह करना है तो बड़े शौक से करो, मगर याद रखना तुम्हारी जिंदगी में फिर सब कुछ होगा, सिर्फ एक माँ नहीं होगी। मामा रुके, मेरी बात सुने। मामा रब्बावे रब्बावे एक तू ही सहारा रब्बावे रब्बावे रब्बावे। मुझे तो बेहद अफसोस हो रहा है, मॉम ने इतनी बड़ी बात कह दी और अहमद टस से मस नहीं हुआ। मॉम ऐसे मौकों पर रिश्तों की परख हो जाती है, पता चल जाता है कौन कितने पानी में। और उस लड़की की मोहब्बत में ना अहमद ने हम सब घर वालों को पीछे छोड़ दिया। मॉम बात को समझने की कोशिश करें, जिस लड़की के घर में आने से पहले ही रिश्तों में इतने फासले पैदा हो गए हैं, वो घर में आके पता नहीं क्या घुल खिलाएगी। अब तक आ जाना चाहिए था अहमद को। आता है अच्छे से। आपकी मदर ऐसा क्यों कर रही हैं? हमारे सारे रिश्तेदार वापस जा रहे हैं, मेरी माँ शर्मिंदगी और नदामत से किससे नजरें नहीं मिला रही। अब जाएं, उन्हें वापस लेकर आएं। यही बात तो मुझे समझ में नहीं आ रही। जब मामा यहां पर आ ही गई थी तो छोटी सी बात को लेकर इज्जत का मसला क्यों बना रही है? अहमद बेटा, हम जीते जी मर जाएंगे। अगर आप लोगों ने ये शादी नहीं करनी थी तो साफ साफ हमें बता देते, वो ऐसा क्यों कर रही है? हमारे यहां बेटी की बारात वापस जाना मायूब समझा जाता है। हक पहर की बात पर उन्होंने बुरा मान लिया। आप खुदा के लिए उन्हें वापस बुला लो। उन्हें रोक लो, मेरी बच्ची दुनिया का सामना नहीं कर सकती। लोग तरह तरह के सवाल करेंगे, क्या हुआ, क्यों बारात गई, ये किस किस का जवाब देंगे। मेरी बच्ची जिंदा लाश बनकर नहीं जिएगी, लाश बनकर नहीं जिएगी। आंटी आप प्लीज परेशान मत हो, तो सब बाहर खड़े तो उनसे बात करके आता हूँ। एक तू ही सहारा रब्बावे 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 एक तू ही सहारा रब्बावे। माम अब वजीद वेट करना फजूल है, वो नहीं आएगा, चलें। मामा रुके। आ गया, शुक्र है तुम आ गए हो, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मुझे आपसे बात करनी है, चले मेरे साथ। अब बात करने की कोई कसर रह गई है क्या? मामा बहुत जरूरी बात है, प्लीज आए ना। कम पता नहीं क्या पटियां पढ़ाएगा ये माम को। He's so stubborn. देख लिया ना, बात मनवा लेगा फिर से, भला आप उस लाके वापस ले जाएगा और क्या। नहीं मानेंगी मॉम, मॉम पहले इतना गुस्से में और वो इस रिश्ते के सख्त खिलाफ है। मिट जाए अंधेरे, जो तो कर दे इशारा, दे तुझे को सदा पुकारा, दे दे तू किनारा।
रबावे 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 एक तो आप जल्दी कर लें, मुझे देर हो रही है, मैंने जाना है। मौलवी साहब बस कुछ देर और, मैं आपको वापस खुद छोड़ाऊंगा, बस थोड़ी देर और वेट करिए प्लीज। आप कैसे लोग हैं, ये मामला तो पहले तय करने को होते हैं, अब आप हकमर पे बहस कर रहे हैं। समझ नहीं आती, अगर खिलाफ हो ही गई थी तो भला इनकार कर देती ना, स्टैंड क्यों नहीं लिया? ये अहमद हमें डिग्रेड करने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देता, हद होती है। अब भला मॉम को साइड पे ले जाके बात करने की क्या जरूरत थी, ऐसे जैसे हम तो इसके कुछ लगता ही नहीं है। फहद, आई थिंक वी शुड गो। वेट, देखे तो सही मॉम डिसीजन क्या लेती। डिसीजन होती है। मॉम, लेट्स गो होम। चलेंगे, लेकिन रुसती के बाद। व्हाट? व्हाट इज दिस मॉम? आई टॉक टू यू फादर। मॉम, आई कांट बिलीव दिस। सारा, चलना यार, लेट्स गो। मेरी खातिर। कम, लेट्स गो। आई मीन,